ऐसा लग रहा है तो मैं YouTube वीडियो देख रहा हूँ। इट्स द सेम बैकग्राउंड एक्चुअली। ये उसका नाम तो बहुत खतरनाक था, एडवांस मशीन लर्निंग नैनो डिग्री नॉट, बट उसमें पढ़ाया कुछ नहीं था, एक बहुत बेसिक बेसिक फंडे थे। उनका पहला राउंड फुल स्टैटिस्टिक्स पे था, उसने मुझसे लिटरली फॉर्मूले पूछ रहा था वो बैठ के, कि अच्छा लॉगलॉग का फॉर्मूला बताओ, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का, सारे प्रेसिजन का, सारे फॉर्मूले मुझसे पूछ डाला। और मैंने ये सीखा कि पुराने इंटरव्यू के क्वेश्चन जो नहीं बता पाए हमेशा लिखो एंड वो हमेशा पढ़ो। मेरे साथ मतलब लिटरली ये हुआ है, मैथ कंपनी मैंने ऐसे ही क्रैक किया मेरे तो अभी जॉब सीनियर मार्केट कैसा है तुम्हारे हिसाब से? लाइक तुमने अभी जस्ट जॉब हंटिंग किया, तो अभी मार्केट पे ने। जॉब्स हैं नहीं है, क्या सीन है तुम्हारे हिसाब से मेरे हिसाब से तो बहुत है, लाइक अभी मेरे है? को, मुझे तो अभी भी बहुत कॉल्स आती हैं कि आप बस ज्वाइन कर लो। मैं बस चाहता हूँ जल्दी से आप टाइम सीरीज की एक प्लेलिस्ट बना दो, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया अभी टाइम देखो। सीरीज की, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। टेल अस अबाउट योर सेल्फ, योर एजुकेशन बैकग्राउंड एंड योर प्रोफेशनल करियर अभी तक कैसा रहा? लेट्स फर्स्ट हियर दैट। ओके, तो मैंने लाइक लखनऊ से आई बिलोंग, तो मैंने 12th वहीं से किया है। उसके बाद आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम गढ़कोटिया कॉलेज, इट्स इन नोएडा। तो हाँ, आई हर्ड ऑफ इट। इट्स अ Tier 3 कॉलेज, इट्स नॉट लाइक कुछ ऐसे। तो एक ही TU से उसका एसोसिएशन है, तो मतलब लाइक वो मिलती गवर्नमेंट डिग्री है, तो वैसा है। हाँ, तो मैंने वहां से ग्रेजुएशन किया, आई पास आउट और इन 2019। उसके बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट से ही विप्रो में मिल गया था जॉब। तो एट दैट मोमेंट मतलब मेरे पास 3 ऑफर थे, विप्रो, कॉग्निजेंट, इंफोसिस, आई थिंक वो सबको मिल जाते हैं ऐसा लगता है। और उस टाइम पे मतलब कॉलेज के टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग का किया था, एक दो एक नॉर्मल आप लाइक ट्रांसफर लर्निंग से इमेज क्लासिफिकेशन एंड ऑल, तो वो सब मैंने उस टाइम पे पढ़ रखा था, बट जॉब नहीं मिली उस टाइम पे। तो वैसे लाइक आई ट्राइड इवन फॉर इंटर्नशिप कॉलेज के टाइम पे, मुझे कुछ डेटा साइंस का उतना मिला नहीं, बट उस टाइम पे मिला भी नहीं मेरे को जॉब। तो विप्रो ने कि ओके वी आर हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और सबसे पहले उनका ही मेरे को ऑफर आया, तो मैंने वही ज्वाइन कर ली, बिकॉज सबके पैकेज सेम थे, 5-10 हज़ार मेरे पैसे। तो मैंने वही ज्वाइन कर ली, तो उन्होंने खूब टाला एंड देन दे गिव मी अ रोल ऑफ डेटा माइग्रेशन एक्सपर्ट। तो उसमें इट्स लाइक आप थोड़ा टूल पे काम करते हो, सीक्वल पे काम करते हो, तो लाइक यू ट्रांसफर वन डेटाबेस इनटू अनदर डेटाबेस, तो लाइक यही था मेरा लिटरली काम। तो मैं सीक्वल के कोड लिखता था टू ट्रांसफर दैट डेटाबेस इनटू अनदर, तो इससे मेरा एक फायदा हुआ, मेरी सीक्वल थोड़ी बहुत ठीक हो गई, बिकॉज विच इज वेरी उसमें इम्पोर्टेंट है काफी डेटा से। हाँ हाँ तो उसमें काफी बड़े बड़े क्वेरी दिखते थे, तो उससे मेरी लाइक ठीक होगी, मतलब बहुत एडवांस लेवल नहीं, बट इंटरमीडिएट लेवल आई वॉज ओके। उसके बाद मेरे को इंटरनल जॉब पोस्टिंग में ही एज अ डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए मेरे पास आया था मेल, तो मैंने उसमें अप्लाई किया। हाँ, विप्रो में ही आया था, इंटरनल जॉब पोस्टिंग थी, राइट? तो दे वर हायरिंग लाइक 5 पीपल, तो मैंने उसमें अप्लाई किया, एंड बिकॉज मेरे पास थोड़ा प्रायर एक्सपीरियंस था कॉलेज में, मैंने थोड़े मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रखे थे, तो उन्होंने मुझे कंसिडर किया। और फिर उसमें लाइक टेस्ट हुआ था, हम लोग का पूरा बकाया था, तो दे हैड लाइक लॉजिकल रीजनिंग एंड पाइथन का टेस्ट हुआ था, और फिर इंटरव्यू हुआ था पूरा, तो वो पूरा मैंने क्वालिफाई कर लिया एंड मेरे को जॉब मिल गई, मतलब रोल चेंज हो गया डेटा साइंस पे। तो ये उसके जो शिफ्ट बाद वाला रोल था उसमें कितने दिन काम किया तुमने? वन वन एंड हाफ ईयर्स के आसपास, हाँ, और फिर मैंने डेटा साइंस पे काम करना स्टार्ट किया। मेरा टोटल 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है अभी, तो आई हैव लाइक वन एंड हाफ टू 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस। एंड दिस एंटायर एक्सपीरियंस इज इन विप्रो ओनली, पूरा अभी तक हाँ, जितना? इट्स लाइक ऑल इन विप्रो। तो आई ट्राइड फॉर चेंजिंग जॉब्स एट बिटवीन, लेकिन बिटवीन तो मेरे को मशीन लर्निंग की एक तो जॉब मिली, बट स्टार्टअप्स में एंड दे वर लाइक 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे थे वो, एंड आई लाइक मैं नहीं कहता, हाँ एग्जैक्टली एक बार exactly. फंस चुका, अब नहीं दो साल कहता। का इट्स टू मच। हाँ, एंड लाइक दे वर आस्किंग लाइक 2 लाख+ अगर आपने छोड़ा तो, हाँ मैंने कहा वो बॉन्ड भाई होता है जो, राइट हाँ, तो वो तो एब्सर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे थे वो लोग, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, और लकीली इसमें ही मिल गई। तो आई वाज लाइक कि ओके थोड़ा ट्राई करते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा एटलीस्ट। तो लाइक जॉब इज नाइस, लाइक मेरा टीम बहुत अच्छी है अभी भी, बहुत मस्त है, बट एक मुझे जो अभी अपने जॉब में लाइक आई वोंट से कामिक, बट लाइक एक वो देखा कि मुझे ना काफी एनएलपी रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलते थे, तो लाइक मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर एनएलपी रिलेटेड होगी, तो मेरा थोड़ा दूसरे डोमेन में थोड़ा एक्सपीरियंस हो कम हो गया,
okay. But NLP was also fine. Like it's one of the toughest thing to do. अगर आप like deep learning में जाओ तो. Right, right. उससे मेरा deep learning का थोड़ा जो concept होता है ना core concept वो बहुत strong हो गया. Okay. तो like अभी तक की तो मेरी यही journey like till now I am here only. तो अभी the math company में कब हुआ interview और कब हुआ selection? तो मेरा selection was in July. So like been like 2 months. तो उसके बाद नोटिस पीरियड सर्व किया होगा. हाँ हाँ तो लाइक मैथ कंपनी वाज लाइक कि ओके हम आपको बाय बैक कर लेंगे. तो मेरा नोटिस पीरियड वाज 90 डेज. तो दे सेड कि आप 60 डेज बाद ज्वाइन कर लो. ओके दे आर बाइंग मी बैक. ओके एंड लाइक आई वाज ट्राइंग सॉरी अभी ज्वाइन करना है आपको लाइक हाँ 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 लाइक 10 डेज आफ्टर 10 डेज. ओके गॉट इट. तो लाइक मेरा हाँ मैं लाइक फेब से स्टार्ट किया था job hunting. It took me like kitna 4 to 6 months to land a job. Like my first offer was in July only. Mera like aisa tha na ki meri kismat khuli July ke baad. And I got like light job offer. Maine like multiple interview clear kiya tha, TCS ka kiya tha and ek do aur company hai startup and fir math company ka kiya tha. तो मैंने 2-3 क्लियर किए एंड मुझे सबसे ज्यादा ऑफर मैथ कंपनी से मिला. और बेस्ट चीज मुझे उसकी वो लगी फुल्ली वर्क फ्रॉम होम दे रहा है. दैट इज वन मोर प्लस पॉइंट फॉर मी. तो मैंने कहा ठीक है अभी तक उसी का है. और भी मेरे को लाइक ट्रांसपेरेंसी अभी भी मुझे ऑफर आ रहे हैं क्योंकि अभी भी नोटिस पीरियड में हूँ. तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट द मैथ कंपनी. मैथ कंपनी का तो मुझे काफी अच्छा लगा एक्चुअली. मतलब इट वाज रिस्पॉन्सिव लाइक जैसे मेरा इंटरव्यू है राइट. तो इंटरव्यू लाइक जैसे नॉर्मल इंटरव्यू होता है लाइक दे आस्क अ लॉट अबाउट यू एंड क्वेश्चंस एंड प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं काफी ज्यादा. स्पेशली एक्सपीरियंस पर्सन को तो प्रोजेक्ट पे ही पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाता है कि आपने कौन से प्रोजेक्ट किए क्या किया आपने राइट. तो उस पे ही पूरा इंटरव्यू है. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि जैसे इंटरव्यू खत्म होता विद इन 1 आवर आपके पास एक मेल आ जाता था कि आप सेलेक्ट हो गए इंटरव्यू के लिए. यू आर गेटिंग फॉरवर्ड आप सेलेक्ट हो गए हो. और तुरंत मतलब रिक्रूटर का कॉल आ गया अच्छा आपका मैं आपका नेक्स्ट शेड्यूल करा दूं आप टाइम पूछ दो. तो ऐसे ही मेरे 3 राउंड हुए थे. हाँ 3 राउंड हुए थे एंड तीनों का लाइक विद इन 1 आवर आई नो द रिजल्ट. तो लाइक अगर मेरा नहीं भी होता तो भी मैं मतलब सोचता नहीं कि हाँ एक हफ्ते वेट कर रहा हूँ कि यार नहीं हुआ कुछ रिजल्ट नहीं आया. इट वॉज रिस्पॉन्सिव. तो लास्ट इंटरव्यू में भी 1 घंटे के अंदर मेरे को पता चल गया हाँ मैंने मेरा हो गया क्लियर एवरीथिंग इज नाउ. मेरे को ऑफर लेटर विद इन 5 डेज ऑफर लेटर भी आ गया पूरा. ओके तो ये तीनों राउंड्स में क्या क्या था मतलब किस तरीके से डिवाइडेड थे राउंड्स. तो पहला तो टेक्निकल राउंड था. दूसरा था फिटमेंट राउंड मैनेजरियल राउंड होता है. थर्ड वाज एचआर. तो टेक्निकल राउंड में किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे. टेक्निकल राउंड में तो लाइक प्रोजेक्ट पहले आपने क्या बनाया लाइक द मेन टॉपिक इज दैट. तो 30-40 मिनट्स उसमें जाते हैं इजिली. स्पेशली लाइक मेरे तो एनएलपी वाले प्रोजेक्ट थे जो कंपनी के थे तो उसमें तो मैं काफी ज्यादा बता पाया डिटेल में. उसके बाद थोड़े लाइक बेसिक मशीन लर्निंग के क्वेश्चन पूछते हैं. अगर जैसे आई एम नॉट श्योर कि दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस कैसा हो क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट इज इन डीप लर्निंग. तो मुझसे ना ML से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजुअली क्योंकि मैं डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट में बता देता हूँ काफी कि हाँ यूज दिस आई यूज दिस. तो इसके थ्रू ऐसे होता है. तो फिर वो लोग मुझसे मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस पूछते ज्यादा. एंड उसके बाद मुझसे एंड में थोड़े बहुत SQL और पाइथन के क्वेश्चंस मतलब पाइथन का कोड लिखवाया था और एक SQL का कोड लिखवाया था. मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया था एंड आपको जस्ट क्वेरी लिख दी थी. ओके तो मतलब ऐसा ही मेरा टेक्निकल राउंड था ऐसे ही. एंड व्हाट अबाउट स्टैटिस्टिक्स वो टच नहीं हुआ था. स्टैटिस्टिक्स में उतना नहीं टच हुआ था बट मतलब लाइक आई हैड एन इंटरव्यू लाइक 4 डेज बिफोर अ कंपनी. उनका पहला राउंड फुल स्टैटिस्टिक्स पे था. ओके उसने मुझसे लिटरली फॉर्मूले पूछ रहा था वो बैठ के कि अच्छा लॉगलॉग का फॉर्मूला बताओ कंफ्यूजन मैट्रिक्स का सारे प्रेसिजन का सारे फॉर्मूले मुझसे पूछ डाला. ओके इसमें डिफरेंट कंपनी डिफरेंट थिंग. तो फिर सेकंड राउंड वो फिटमेंट राउंड. तो जहां पे किसी सीनियर पोजीशन वाले बंदे से शायद बात हुई होगी. यस यस हां तो ही वाज अ लीड इन द प्रोजेक्ट. ओके ओके एंड द थर्ड वन वाज एचआर राउंड. हां सेकंड में तो लाइक इट वाज स्लाइटली डिफरेंट. बट स्लाइटली डिफरेंट क्या आई विल से कि अगर जो भी तैयारी कर रहा हूं फिटमेंट की भी और इवन टेक्निकल की भी
यू शुड ट्राई टू सॉल्व केस स्टडीज. मैंने 90% ऑफ माई इंटरव्यू में केस स्टडीज पूछे जाते हैं. तो लाइक कोई भी बेसिक केस स्टडी पूछ लेंगे, स्पेशली डोमेन रिलेटेड. तो कंपनी अगर जैसे कोई रिटेल में काम करती है तो दे कैन आस्क एनीथिंग लाइक रिटेल से एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. ओके, ये मेरे साथ बहुत इंटरव्यू में हुआ और इसमें भी हुआ था. तो फिटमेंट राउंड में एक हुआ था और गेस्टिमेशन पूछे गए थे मुझसे. तो गेस्टिमेशन यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व इट राइट लाइक गेट क्लोज टू द आंसर. ये भी मेरे साथ काफी इंटरव्यूज में हुआ. तो ये मैथ के क्वेश्चन. हाँ ये था गेस्टिमेशन में. टेक्निकल में उसने पूछा था मुझसे एंड में बेसिक गेस्टिमेशन क्वेश्चन. आप यूट्यूब पे सर्च करो तो भी पता चल जाएगा. पहले ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग में बहुत पूछा जाता था, फिर अब धीरे धीरे डेटा साइंस इंटरव्यूज में भी बहुत पूछा जा रहा है. हाँ मैंने मतलब अराउंड 15 इंटरव्यूज दिया हूँ. लाइक 15 कंपनी में मैंने मेरे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुए थे एंड उस 15 में से एटलीस्ट 12 में उन्होंने मुझसे गेस्टिमेशन क्वेश्चन पूछे. ओके, गेस्टिमेशन के क्वेश्चन यूजुअली मतलब मैंने देखा है कि सेकंड राउंड में बहुत पूछते हैं. अगर दो टेक्निकल राउंड है तो सेकंड राउंड में काफी पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने अगर फर्स्ट टेक्निकल राउंड क्लियर कर लिया तो वो लोग देख लेते हैं आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग राइट. तो आप सेकंड पे पहुंचते हो, फिर सेकंड में वो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखते हैं. मतलब एक दो फिटमेंट राउंड में तो वो लोग लाइक पजल क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं. तो लाइक मेरे से एक पूछा था वो रोप वाला क्वेश्चन कि अगर यू हैव टू रोप्स एंड यू नीड टू कैलकुलेट कि 45 मिनट कैसे सॉल्व होंगे और वो रोप अनइवन है. तो वाला क्वेश्चन पूछा था. तो मैंने वो गूगल पे पढ़ रखा था, सो मैं बता दिया. हाँ वो कभी कभी रिपीट होने लग जाते हैं क्योंकि वो नए क्वेश्चंस तो बनाएंगे नहीं, वो भी गूगल करते हैं. हाँ, तो बेस्ट तो वही है. मतलब मैंने एक पहले इंटरव्यू में एक उससे कुछ क्वेश्चन पूछा था कि लाइक यू हैव अ पाई तो मिनिमम कैसे कितने कट करोगे फॉर 8 पीसेस. तो लाइक इट्स वेरी जनरिक क्वेश्चन, आंसर 3 होता है. तो उसको वो बताना होता है कि आप ऐसे ऐसे काटते हो फिर बीच से काटते हो तो वो एग्जैक्ट सेम साइज पे डिवाइड हो जाता है. फिर मैंने उसके बाद मैंने गूगल किया था नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए. वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था किसी कोई होगा रीजन, बट मैंने नेक्स्ट इंटरव्यू के सर्च किया. उसमें 15 पजल्स यू कैन गेट इन गूगल जो यूजुअली टेक्निकल में, और मैंने देखा कि उसमें से ही पूछते हैं. मे बी नाम इधर उधर कर दे. दे ऑल्सो गूगल फॉर क्वेश्चन ना, तो वो क्वेश्चन बैंक बन चुका है. राइट, yes. तो अभी ना आप जैसा बोल रहे हो कि आपने फेब में स्टार्ट किया अपना इंटरव्यू का प्रोसेस और अभी जुलाई में जाकर के यू गॉट रिजल्ट्स. तो मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस में जैसे तुम बोल रहे हो 10-15 कंपनीज में यू अप्लाइड, तो कौन कौन सी कंपनीज थी एंड में कौन कौन सी कंपनीज को यू वर एबल टू क्रैक, और ये पूरा इंटरव्यू के टाइम पे तुम्हारा प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था? मतलब सिंस यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज डेटा साइंटिस्ट तो अलग क्या चार महीनों में? ओके, तो जो चार महीने जो मैंने स्टार्ट किया, पहले तो मैंने आई वाज लाइक कि ओके लेट्स जस्ट अप्लाई. स्टार्टिंग के तो एक दो इंटरव्यू तो मेरे ऐसे ही चले गए तो वो तो आई वोंट काउंट. उसके बाद लाइक मैंने क्या सीखा कि यूजुअली यू वॉन्ट टू एबल टू क्रैक योर फर्स्ट 3 इंटरव्यू, लेकिन इट्स हार्ड, पता नहीं रहता कि क्या पूछते हैं. और मैंने ये सीखा कि पुराने इंटरव्यू के क्वेश्चन जो नहीं बता पाए हमेशा लिखो, आई नो हमेशा पढ़ो. मेरे साथ मतलब लिटली ये हुआ है, मैथ कंपनी मैंने ऐसे ही क्रैक किया. मेरे से एक बहुत फेमस कंपनी ट्रेड एंड एनालिटिक्स, उसमें मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया था एंड मैं मस्त पूरा अच्छा गया. और उन्होंने मुझसे सीक्वल के क्वेश्चन कुछ पूछे थे, सीक्वल का ही था. और उन्होंने वही सेम क्वेश्चन मुझसे पांडास में सॉल्व करने को बोला था. तो इट वॉज लाइक पांडास में एक फंक्शन होता रैंक करके, राइट, वो उससे रिलेटेड था और मुझे वो पता नहीं था. तो उस मैंने इंटरव्यू में वो क्वेश्चन गलत किया था और मुझसे सेम क्वेश्चन मैथ कंपनी में पूछा गया. मतलब सेम क्या, सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर था. तो मेरे तुरंत क्लिक हुआ, अच्छा हाँ मैंने वहां पर गलती करी थी, यहाँ नहीं करूंगा. यहाँ पे मैंने तुरंत आंसर दे दिया कि अच्छा ये रैंक के थ्रू सॉल्व होगा और ये ऐसे ऐसे करते हैं. Right. तो ये मैंने लाइक सीखा कि यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स अलॉट, लाइक स्पेशली इन इंटरव्यू इट्स हार्ड टू लाइक क्रैक एवरी इंटरव्यू यू गो थ्रू. और मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आई विल से कि लाइक मैंने स्टार्ट तो पहले यूट्यूब से किया. पहले मैंने लाइक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी पूरी बेसिक, मतलब जितना रिवाइज कर सकता हूँ. उसके बाद फिर मशीन लर्निंग के सारे टॉप 7 एल्गोरिदम्स है वो मैंने पूरी पढ़ी अच्छे से एक बार. और क्या कहते हैं, फिर मैंने थोड़ा बहुत डीप लर्निंग का बेसिक पढ़ा, क्योंकि यूजुअली डेटा साइंस में बहुत डीप में जाते नहीं डीप लर्निंग में, कि हाँ बहुत ही घुस गए कि हाँ एक्टिवेशन फंक्शन में क्या क्या चीज होती है, एकदम डिटेल में बताओ क्यों
क्यों कैसे वो आपके नॉन लीनियर बनाता है, इतना नहीं पूछेंगे. लाइक दे विल जस्ट लाइक आस्क कि अच्छा वो लीनियर को नॉन लीनियर क्यों करता है, लाइक एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे वो डीप लर्निंग में. तो डीप लर्निंग आई वॉन्ट से कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाए कोई भी अगर पढ़ना, तो लाइक बेसिक पढ़ो. बट मेरी डीप लर्निंग स्ट्रॉन्ग थी एनएलपी के लिए, तो मुझे उतना डीप लर्निंग में जाना नहीं पड़ा. बट मुझे मशीन लर्निंग में बहुत डिटेल में जाना मतलब पढ़ना पड़ा, क्योंकि ये मैंने देखा कि यूजुअली दे विल आस्क कि विच इज योर बेस्ट एल्गोरिथम लर्निंग एल्गोरिथम, एंड दे विल लाइक गो डीप इनटू दैट. राइट, बस पूछते जाओ. लेकिन तो मैंने ना ये मैंने बाद में देखा, लाइक आफ्टर 3-4 इंटरव्यूज की सातों ना पढ़ो, दो पढ़ो बस. Exactly. दो पढ़ो और अच्छे से पढ़ो. तो तुमने कौन सा पिक किया है? रैंडम फॉरेस्ट. लाइक रैंडम फॉरेस्ट में खूब मैं डीप में गया. राइट. और खूब अच्छे से पढ़ा. फिर मैंने लाइक थोड़े टाइम बाद मैंने आपकी वो प्लेलिस्ट देखी जिसमें रैंडम फॉरेस्ट और डिजन आपने बहुत डिटेल में बताया. तो वो सब मैंने खूब डिटेल में पूरा पढ़ा रैंडम फॉरेस्ट एकदम एंड तक, लाइक डिसीजन ट्री एकदम एंड तक की प्रूनिंग कैसे करने, प्री प्रूनिंग पोस्ट प्रूनिंग सब पढ़ रहा हूँ. Right. क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग. हाँ. कि मतलब अगर रैंडम फॉरेस्ट में आप जाओगे तो आप डिसीजन ट्री पे पहुंच जाओगे कुछ ना कुछ करके. Right. वो लोग पहुंचा हाँ. देंगे आपको. हाँ. एंड देन फिर डिसीजन ट्री को कैसे सॉल्व करते हो वो भी आपको पता होना चाहिए. राइट. ओवरफिटिंग मेन तो ओवरफिटिंग का होता है इशू. राइट. तो कैसे सॉल्व करते हो. तो वो सब. और आपका शायद एक आपका एक वीडियो है जिसमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आप बताए हो उसमें डिसीजन ट्री की. वो वाला वीडियो इज नाइस क्योंकि उसमें प्री प्रूनिंग और पोस्ट प्रूनिंग टेक्निक उसी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से ही करते हैं. राइट. हाँ. तो वो उसके थ्रू मैंने लाइक सीखा था कि कैसे करते हैं. और ऐसे ही मैंने बताया मेरा रैंडम फॉरेस्ट था और लीनियर रिग्रेशन था. ओके. ये दो अच्छे से थे. तो एक चीज और अभिनव, जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से कुछ अलग किया या फिर पढ़ाई करते करते में ही इंटरव्यू क्वेश्चंस आ गए? मतलब जैसा होता है ना कि दो तरह की पढ़ाई होती है, एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए और फिर आप अलग से कुछ क्वेश्चंस सर्च करते हो कि अराउंड द टॉपिक क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो योर स्ट्रैटेजी वॉज व्हाट, डीप जाने से ऑटोमेटिकली सब आ जाएगा या फिर अलग से इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़े? मैंने नहीं ऐसा मैंने कुछ स्पेसिफिकली नहीं किया इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़े. मैंने बस लाइक अच्छे से एल्गोरिथम्स वगैरह एकदम जितना मतलब कोर में घुस जाए आप कि मतलब जितने दिमाग में पॉसिबल सिनेरियोस ला सकते हैं उस एल्गोरिथम्स को लेके वो लाइए एंड उसको सॉल्व करने का तरीका देखिए एंड यू विल बी एबल टू क्रैक एन इंटरव्यू. कोई स्पेसिफिक इंटरव्यू क्वेश्चन थे नहीं लाइक मैंने तो नहीं देखा मतलब कि स्पेसिफिक मैंने पढ़ा. हाँ पाइथन में मैंने पढ़ा था. क्योंकि मतलब मैं काम तो करता हूँ लाइक पाइथन पे बट आप एकदम लाइक यू आर नॉट आई एम नॉट अ पाइथन डेवलपर ना तो बहुत डिटेल में आप नहीं पढ़ते हो पाइथन. तो उसमें लाइक मैंने डेकोरेटर्स जनरेटर्स लाइक समटाइम्स दे अलॉट अबाउट इट तो कैसे सॉल्व करते हैं कोई प्रोग्राम लिख के दिखाओ. तो वो स्पेसिफिकली मैंने एक दो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे पाइथन के. ओके. बाकी तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में तो कुछ नहीं. ओके. जस्ट और फिर अभिनव आपका लर्निंग रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो किया आपने इस पूरे पीरियड में टू क्रैक दीज इंटरव्यूज? लर्निंग रिसोर्सेस मेरा कुछ नहीं था, बस आपके वीडियोस थे और कृष्ण आय के वीडियोस थे, बस दो वीडियोस. तो इसके अलावा और कुछ भी फॉलो नहीं किया? दो रिसोर्सेज में यू गॉट एवरीथिंग. या दो रिसोर्स था. हाँ मतलब लाइक मेरी कंपनी में लाइक यू गेट लाइक यूडेमी रिसोर्सेज फ्री. तो मैंने सीक्वल उससे पढ़ा था मतलब रिवाइज किया था बिकॉज इट्स बीन लाइक 2 years मैंने सीक्वल यूज नहीं किया. डेटा साइंस में मतलब एटलीस्ट मुझे यूज नहीं करना पड़ रहा है ज्यादा मेरी जॉब में करेंटली. तो वो थोड़ा मतलब भूल गया था मैं कि अच्छा कैसे करते हैं. और क्योंकि बहुत सारी कंपनी में जैसे मैथ कंपनी में तो चलो मेरा उसमें भी मेरा हुआ था एक्चुअली एप्टीट्यूड टेस्ट लाइक रिटन टेस्ट रिटन कह रहे स्टार्टिंग में जो टेस्ट नहीं होता है वो टेस्ट हुआ था उसमें सीक्वल. हाँ एप्टी उसमें सीक्वल मशीन लर्निंग सबके क्वेश्चन थे पूरे. कोडिंग राउंड था पूरा बकाया. नहीं कोडिंग राउंड भी था एमसीक्यू भी था दोनों था. ओके ओके. लाइक 70% ऑफ द कंपनी में होता है ये और यू हैव टू क्लियर इट बिफोर आप जाओ भी इंटरव्यू के प्रोसेस में तो आपको क्लियर करना ही पड़ता है. कोई बुक्स उसके लिए सीक्वल चाहिए? नहीं कोई बुक्स नहीं. वीडियोस वो दो तरह के लोग होते हैं, थोड़ा पढ़ के वाले और एक वीडियो देख करके. तो हाँ वो अपना अपना प्रेफरेंस होता है. आई ऑल्सो फॉलो वीडियोज. हाँ मेरे साथ के मैं लाइक वीडियोस देखता था आप लोग के. मैंने कहा ठीक है नाउ आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मैं एक बार उसको इम्प्लीमेंट करके देख लेता हूँ. कोड अपना मस्त कोलैब खोला और एक बार ट्राई कर लिया कि अच्छा मतलब एकदम मैं कोड तो कॉपी नहीं करता था मतलब ट्राई करता था खुद से करूँ और गूगल से
खुद ढूंढ ढूंढ के, जैसे अगर मुझे लीनियर रिग्रेशन भी नॉर्मल अगर रन करना है तो गूगल पे जाओ, थोड़ा देखो कि अच्छा ऐसे कोड है, एंड ट्राई टू रन इट योरसेल्फ। कोई एक बेसिक सा डेटा सेट उठा के रन कर लो, बेकार एक्यूरेसी है वो कुछ मैटर नहीं करता, मैटर कि आपने रन किया तो आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा हाँ ऐसे चलता है मॉडल। सो बाद में फिर वो यू आर धीमे वेरी धीमे कंफर्टेबल विद पाइथन एंड सीक्वल, तो जो भी तुम पढ़ते हो उसको तुम कोड में कन्वर्ट करके देख पाते हो. तो मतलब तुम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से थे क्या? मतलब व्हाट वाज योर ब्रांच इन योर हाँ हाँ मैं आईटी आईटी इट्स लाइक आईटी? सिमिलर टू तो कंप्यूटर साइंस, बेसिकली प्रोग्रामिंग से चार बहुत सब्जेक्ट यू आर है मेरे। एक्सपोज्ड, दैट हेल्प्स. ओके, अभिनव एक और चीज थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जैसे बहुत सारे फ्रेशर्स होते हैं, जैसे आपका तो पहले से जॉब था, तो ये जो जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, तो इसमें कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, किन जगहों पे, और शॉर्टलिस्ट होने का प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे मैंने अगर 10 जगह पे अप्लाई किया तो हाउ कैन आई गेट 5 इंटरव्यूज, ये कैसे किया? तो इसमें तो पहले रिज्यूमे बिल्डिंग इज द मस्ट, आपकी रिज्यूमे शुड बी नाइस लाइक। और मतलब मेरा तो बहुत ही बेसिक रिज्यूमे लिटरली दो है, उसमें ब्लैक और व्हाइट कलर है और एकदम बेसिक रिज्यूमे है उसमें कुछ, मतलब मैंने 1 पेज रिज्यूमे नहीं, 2 पेज है मेरा, बिकॉज आई हैड लाइक गुड प्रोजेक्ट। तो नॉर्मल रिज्यूमे रखो, प्रोजेक्ट जितने ज्यादा हो वो बेटर है। और स्पेसिफिक चीज ये है कि अगर जैसे आपने कोई कंपनी है, जैसे लाइक मैंने अप्लाई किया था डनहम्बी करके, तो वो रिटेल में काम करती है लाइक रिटेल रिलेटेड। तो अगर आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपने उस पर काम किया तो वो डालो लाइक अपने रिज्यूमे में, वहां पे अप्लाई करने ट्राई, तो दे विल सी कि अच्छा आपने इस पे काम किया, या फिर अगर उस डेटा सेट पे काम किया कुछ तो दे विल सी दैट। और रिज्यूमे के बाद लाइक एक्सपीरियंस तो मुश्किल होगा एज अ फ्रेशर को, अगर लाइक आपका वो है कोई इंटर्नशिप वगैरह, तो ट्राई टू डिस्क्राइब लाइक इफ यू डन यू हैव डन अ प्रोजेक्ट इन दैट। एंड मैंने ये चीज देखी है, पहले मेरे एक दो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे, बट मैंने लाइक मेरा एक फ्रेंड था तो उसका एक दो एक जगह हो गया था। आई वाज लाइक कि ओके नाइस क्या हुआ, मैंने उसका एक बार रिज्यूमे खोल के देखा, मैंने डिफरेंस देखा अपने, तो उसने क्या किया था कि उसने ना प्रोजेक्ट डिस्क्राइब किया था और उसने ना मैट्रिक्स भी लिखे थे कि हाउ ही चेंज्ड लाइक अगर उसने कोई कंपनी में काम किया है, तो जैसे मैंने काम किया था मेरे करंट प्रोजेक्ट पे, तो मैंने अपने उस मॉडल की कंपनी में जो ऑलरेडी प्री प्रोजेक्ट था उसमें 70% एग्जीक्यूशन, मैंने 85 किया, तो मैंने उसमें लिखा कि आई चेंज आई लाइक डेवलपमेंट मॉडल एंड लाइक आई चेंज द एक्यूरेसी एंड लाइक आई रोट कि हाँ मेरा एफ1 स्कोर पहले ये था एंड लाइक इट इंक्रीज बाय दिस मच। तो जितना आप मैट्रिक्स यूज करोगे ना, देन द कंपनी विल बी लाइक ओके हाँ ही नो समथिंग अबाउट इट एटलीस्ट, लाइक कुछ तो इसने तो किया है आपके प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में से लाइक। इंप्रूवमेंट क्या आया कंपनी हाँ वगैरह? हाँ हाँ तो अगर इंटर्नशिप करिए तो दैट इज वन की थिंग यू कैन डू। और लाइक प्रोजेक्ट्स बनाओ खूब सारे लाइक फ्रेशर्स को, तो मैं ये बोलूंगा जितने प्रोजेक्ट्स बना सको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में बनाओ, एंड सेलेक्टिव चूज करो। जैसे अगर आप डेटा साइंस में अप्लाई कर रहे हो तो रिकमेंडेशन सिस्टम को एक बना दो, वो कंपनी देखती है यूजुअली, एंड अ गुड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट की जिसमें आप लाइक अच्छे से कोई भी बैगिंग बूस्टिंग कुछ भी टेक्निक यूज की हो, और एक डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट बना दो लाइक CNN इज द इजिएस्ट वन, कोई भी बना सकता है CNN से। तो लाइक ये 3 प्रोजेक्ट इज इनफ अगर आपके पास और बेटर प्रोजेक्ट है। और आई विल से कि फ्रेशर्स को लाइक कैगल और हैकर दो वेबसाइट है मैंने जिसपे किया था काफी, उस पे हैकर पे तो काफी चैलेंजेस आते रहते हैं हर वीक लाइक कॉम्पिटिशन होता रहता है, और वो बहुत ईजी है लाइक यू कैन गो देयर गेट अ डेटा सेट जिसमें आपको कुछ काम नहीं करना पड़ा, मेहनत नहीं है, डेटा सेट मिल गया आपको, जाओ अप्लाई करो कंपटीशन में जाओ, भले 500 रैंक आ रही है एटलीस्ट यू डिड समथिंग ना, खुद से खुद सोचा कि अच्छा कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई विल से कि हाँ प्रोजेक्ट बनाओ, और लाइक एनालिटिक्स विद्या भी एक साइट है आई थिंक वो पे भी जॉबाथॉन वगैरह चलते रहते हैं, तो लाइक ट्राई टू कम्पीट लाइक वेदर यू गेट अ गुड स्कोर और नॉट लाइक दैट डजंट मैटर, एटलीस्ट यू कम्पीटेड। तो वो बहुत ही मतलब मुझे लगा था कि हाँ दैट हेल्प मी अलॉट। और अप्लाई कहाँ पे किया, कौन सी वेबसाइट्स पे तुमने अप्लाई किया जॉब के? लिंक्डइन ओके, तो अप्लाई मैंने लिंक्डइन पे किया था पे? और Naukri.com पे। लिंक्डइन पे यूजुअली बहुत कम रिस्पॉन्स आते हैं, मतलब जितना मैंने देखा है यूजुअली लिंक्डइन पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आते, मतलब दे रिस्पॉन्स लाइक मैं अगर 50 कंपनी में अप्लाई करूँ तो मे बी मुझे 5 to 10 में आए रिस्पॉन्स लिंक्डइन पे एटलीस्ट, ओके लिंक्डइन इज हार्ड। Naukri.com वॉज वन ऑफ द साइट दैट जिसमें मुझे काफी रिस्पॉन्स आए, उसमें देखते यूजुअली आपका अगर प्रोफाइल पे वो अपने आप शॉर्टलिस्ट करता रहता है, और उसमें दो लाइक कुछ बैजेस मिलते हैं सिमिलर विन लिंक्डइन ऑल्सो, जो यू कैन एक्चुअली
सॉल्व इट. तो जैसे मेरा लिंक्डइन में लाइक अलॉट देयर आर अलॉट ऑफ बैजेस, पाइथन का बैज है, मशीन लर्निंग का है, डेटा साइंस बिगिनर का है. सो लाइक उसमें ना टेस्ट होता है, 20 एमसीक्यू होता है, यू कैन सॉल्व इट प्रीटी इजीली, लाइक बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें. तो ना वो सॉल्व करो, तो जब कोई रिक्रूटर सर्च करता है ना, तो बैज वाले को प्रेफरेंस मिलता है, तो वो टॉप पे आता है. ओके, सिमिलर इन लिंक्डइन और नौकरी दोनों में ही होता है. तो ये मैंने देखा, जब मैंने बैज वाले क्लियर किए थे तो मैं ज्यादा सर्चेस में आ रहा था. ओके, तो ये दो वेबसाइट आई विल से टू अप्लाई ऑल द कंपनी. और एक और ऐप है आई थिंक हायरेक्ट करके, हायरेक्ट. हाँ, मेरी वो स्टार्टअप्स उसमें आती हैं, खूब सारे स्टार्टअप्स आते हैं. तो बेस्ट तो ये है, मतलब मैंने देखा है कि हायरेक्ट पे मैं अप्लाई कर रहा था, तो मुझे लाइक मैथ कंपनी हायरेक्ट से मिली थी एक्चुअली. ओके, तो मैंने अप्लाई किया, तो उसमें लाइक दे आर गिविंग गुड पैकेजेस ऑल्सो, स्टार्टअप्स हैं तो वो पैकेज अच्छा दे रहे हैं. और वो उतना मतलब वो जैसे जैसे आप नौकरी में लाइक इफ यू आर अप्लाइंग इन लाइक डेलॉयट ऑफ गार्टनर कोई भी है बड़ी कंपनी में, तो वो देखेंगे आपका एक्सपीरियंस एंड ऑल. बट आपके पास अगर नहीं है, आप प्रेशर हो, तो आप स्टार्टअप में अप्लाई करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. इस फील्ड में आपने अगर 6 महीने से 1 साल भी काम कर लिया, आपके पास 5 प्रोजेक्ट आ गए, तो यू कैन अप्लाई इन लाइक अ लॉट ऑफ गुड कंपनीज. राइट राइट. तो लाइक आई विल से हायरेक्ट इज ऑल्सो गुड ऐप, जिसमें लाइक काफी अच्छे अच्छे स्टार्टअप. और लाइक दे आर गिविंग लाइक 30-50 LPA पैकेज ऑल्सो. दो तीन क्वेश्चंस और हैं अभिनव. सो हाउ वुड यू रेट दिस एंटायर इंटरव्यू प्रिपरेशन और इंटरव्यू क्रैक करने वाला जर्नी? इज इट हार्ड और मतलब करने से आ जाता है रिजल्ट, फ्रस्ट्रेटिंग है, मतलब हाउ वुड यू रेट इट वो 4-5 महीने? मैं लाइक आई विल तो से लाइक फर्स्ट 3-4 मंथ्स मैंने इंटरव्यू दिए थे और मेरा लाइक क्लियर नहीं हो रहा था. लाइक मैं ना 3 इंटरव्यू होते थे, सेकंड राउंड किसी में, थर्ड राउंड ऐसे ऐसे जाके मैं रिजेक्ट हो रहा था ना, तो बहुत ही डिमोटिवेटिंग लगता है कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्लियर क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है. बट हाँ, इफ यू कीप डूइंग इट देन इट विल बी लाइक हाँ अब तो इजी है, अब तो बिना पढ़े बिना. ये मैंने भी नोटिस किया कि एक बार इंटरव्यूज निकलने लगते हैं तो फिर 3-4 एक साथ निकल जाते हैं, इट्स लाइक दैट. हाँ, और अगर नहीं होगा तो ऐसा लगेगा कि 10 में नहीं हो रहा, 15 में नहीं हो रहा, एंड यू गेट डीमोटिवेटेड. तो अभी जॉब मार्केट कैसा है तुम्हारे हिसाब से? लाइक तुमने अभी जस्ट जॉब हंटिंग किया, तो अभी मार्केट पे जॉब्स हैं नहीं है, क्या सीन है तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से तो बहुत है, लाइक मुझे तो अभी भी बहुत कॉल्स आती है कि आप बस ज्वाइन कर लो. और मतलब डिपेंड करता है पैकेज टू पैकेज, लाइक कुछ कुछ कंपनी तो बहुत ही कम पैकेज दे रही है, बट लाइक मुझे ऑफर आते हैं अभी भी. लाइक अगर मैं आज अभी तो नहीं, बट मैंने अभी शाम में खोला, बट Naukri.com में मुझे आज 5 ऑफर आए अलग अलग कंपनी से. ओके, तो उसमें मैसेज आते रहते हैं रिक्रूटर के, आप चाहो तो उस पर रिप्लाई करो एंड ऑल. तो मेरे पास 5 ऑफर आए थे नौकरी से, एंड मेरे अभी एक थर्सडे को इंटरव्यू और है. तो ऐसे ना मतलब स्पेशली लाइक अगर एक्सपीरियंस हो, तो अगर आप नोटिस पीरियड में हो, तो लाइक आपका लाइक Naukri.com में दिखा देता है कि यू आर इन नोटिस, मतलब आप एडिट कर सकते हो सर्विंग नोटिस. तो कंपनी ना यूजुअली वांट्स इमीडिएट कैंडिडेट, बहुत होता है ये तो मैंने देखा है कि जल्दी लाइक विद इन अ मंथ कोई ज्वाइन कर ले, तो वो उसको बहुत प्रेफर करते हैं कंपनी वाले. क्योंकि एक सेंटिमेंट हो गया थोड़ा बच्चों में कि डेटा साइंस जॉब्स आर नॉट देयर, बस पढ़ रहे हैं जॉब्स नहीं मिल रहा है, तो ऐसा थोड़ा सेंटिमेंट बन गया. तो दैट्स व्हाई आई आस्क यू कि तुमको क्या लगता है, तुमने भी जस्ट जॉब हंटिंग किया, तो हाउ वाज द रिस्पांस सामने से? मुझे तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला, लाइक नॉट टू ब्रैग, बट मुझे 25+ कंपनी से कॉल आ चुकी है. और मैंने तो अब तो ऐसा हो गया है लाइक जब से मैं नोटिस पीरियड में आया हूँ, मेरे मतलब मुझे जॉब मिल गई थी, जब मैं मैथ कंपनी के ऑफर से खुश हो गया, मैंने कहा ठीक है नाउ आई विल लाइक अप्लाई फॉर नोटिस पीरियड. तो मैं नोटिस पीरियड में जब आया, आफ्टर अ मंथ मुझे तो मैं कहीं अप्लाई नहीं करता हूँ, मुझे कॉल आती है हर हफ्ते, नहीं तो 5 से 10 कॉल आती है. तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट का तो थोड़ा फायदा है, मतलब लाइक हाँ यू हैव गॉट एक्सपीरियंस, तो वो एक तुम्हारे लिए बेनिफिट है. तो अभी प्रेशर का आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा कम, इट्स डिफिकल्ट. तो अगर लेट्स से एक फ्रेशर है अभी जो कॉलेज में फोर्थ ईयर में है, या लेट्स से जस्ट निकल चुका है कॉलेज से, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, व्हाट वुड बी हिज और हर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कैसे पूरा वो जर्नी उसको कवर करना चाहिए प्रिपरेशन से लेकर के इंटरव्यू क्रैक करने तक? मतलब समरी में व्हाट वुड बी द बुलेट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू यू? लाइक बेस्ट थिंग टू डू लाइक प्रिपरेशन वाइज, तो अगर आप लाइक स्पेसिफिक डेटा साइंस में जाना चाहते हो, तो प्रिपेयर सम टॉपिक्स एंड लाइक डू इट लाइक एट द बेस्ट एबिलिटी यू कैन डू. तो मतलब सब नहीं पढ़ना,
देख कुछ चीज पढ़ो, लाइक जैसे मैंने बताया ना सात मेरे को एल्गोरिदम्स मैंने पढ़ रखे थे, बट दो मैंने अच्छे से पढ़े तो मेरा क्लियर हो गया। तो राइट, कुछ चीज पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, डेप्थ मतलब बस फर्स्ट ये अप्रोच. मैथ्स यू, हाँ, डेप्थ फर्स्ट, स्टैटिस्टिक्स यू शुड बी रियली गुड एट इट, मतलब खूब अच्छे से स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो, एक बार वो हो गया क्लियर, देन तो फिर मशीन लर्निंग इजी होती जाती है कि हाँ लाइक यू कैन अंडरस्टैंड द मैथ बिहाइंड इट। राइट, और ईडीए, हाँ यू शुड लर्न ईडीए बिकॉज सम कंपनी आस्क ईडीए, मतलब लिटरली वो कहेंगे आप खोलो शेयर स्क्रीन करो ईडीए सॉल्व करो मेरे लिए, तो ओके, आपको बताना पड़ता है, तो ईडीए शुड बी फाइन विद इट। हाँ लर्न एटलीस्ट गेट इंटरमीडिएट इन एसक्यूएल, क्योंकि एसक्यूएल के क्वेश्चंस पूछते हैं कंपनी, लाइक सारी कंपनी नहीं पूछती बट दे आस्क क्वेश्चन, लाइक यू शुड बी कंफर्टेबल इन यूजिंग रूबाइक बाई क्लॉज, लाइक दैट्स द मेन जिस्ट ऑफ इट, रूबाइक बस समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा। राइट. और उसके बाद लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशन में रेज्यूमे बिल्डिंग इज लाइक मस्ट थिंग टू डू, आप अपना जितना बेस्ट रेज्यूमे बनाओगे वही आपको इंटरव्यू तक पहुंचाएगी, तो रेज्यूमे यू शुड वर्क ऑन इट। कुछ लाइक वन पेज टू पेज, वन पेज का कुछ अब मैंने तो नहीं देखा कि वन पेज होना ही चाहिए, लाइक आप आराम से अपना अच्छे से रेज्यूमे बनाओ और प्रोजेक्ट करो एंड लाइक ट्राई टू अप्लाई लाइक इन अ लॉट ऑफ कंपनी, लाइक सम विल गिव यू रिस्पॉन्स स्पेशली टू फ्रेशर, लाइक If you apply like 100, maybe like 10 or 15 may give you response, but like keep applying on it and you will get 100% get a job. Like it, एक बार हो गया ना इंटरव्यू प्रोसेस पे, वो एकदम बेस्ट देखे तो हो जाएगा पक्का। ओके, अच्छा एक क्विक क्वेश्चन, डीएसए पढ़ने की जरूरत पड़ी तुम्हें, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स? डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, बट मेरी डीएसए लाइक एवरेज आई विल से, लाइक इट्स नॉट द बेस्ट, मैं लाइक कोचेफ पे 3 स्टार तक पहुंच गया था, तो मतलब मेरी बेकार भी नहीं है, बट आई विल से कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ट्राई इम्प्लीमेंटिंग इट, और कोचेफ पे अगर आप ट्राई कर रहे हो तो 2 स्टार तक अगर आप पहुंच गए हो तो दैट्स इनफ, 2 स्टार के आगे नॉट नेसेसरी। बहुत रैंडम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग कि मे बी लाइक कुछ कि लाइक फ्रीक्वेंसी काउंट से रिलेटेड कुछ सम लाइक एरे वेरे लिस्ट वगैरह के, तो कुछ भी क्वेश्चन बेसिक पूछते हैं, बहुत हैवी नहीं, मतलब ये सब नहीं कि बाइनरी सर्च लाइक बाइनरी ट्री, ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपसे, बट बेसिक अगर एरेज एंड आपके पास वो स्ट्रिंग्स एंड नॉलेज है, क्वेश्चंस. हाँ अगर आपके पास वो नॉलेज है ना, देन यू कैन सॉल्व इट प्रीटी इजीली। और वो लोग ना एक्चुअली देखते हैं कि अच्छा ये जो आपने सॉल्यूशन दिया है लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कैसी है, तो लाइक टाइगर एनालिटिक्स वॉज द वन जिसने मुझे काफी डीएसए के क्वेश्चन पूछे थे, अच्छा, तो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी कंपनी है जो वो पूछती है क्वेश्चन तो डीएसए से। बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एरेज और स्ट्रिंग के प्रॉब्लम्स करने से आई गेस इट्स मोर देन सफिशियंट, तो हाँ, इट्स आगे मोर देन जाने का सफिशियंट, जरूरत नहीं है. हाँ ओके, ये तो है। अरे यू शुड बी लाइक मतलब लाइक अरे लिस्ट, जैसे लिस्ट लेस पाइथन कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट. वगैरह, हाँ पाइथन में तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह यू शुड बी रियली गुड एट इट, मतलब तुरंत पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे सॉल्व होता है ओके, आपको। हाँ, वन लास्ट क्वेश्चन, एनी स्पेसिफिक हैक्स दैट यू यूज्ड इन योर जर्नी, लाइक कुछ एक शॉर्टकट या हैक जो तुमको स्पेसिफिकली अपने लिए मिल गया और वो तुम्हारे लिए बहुत क्लिक किया इन इंटरव्यूज, ऐसा कुछ था जो शेयर करना चाहते हो? हैक तो एक तो मैंने बताया कि यू शुड लाइक एमएल एल्गोरिदम से एक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बस दिस इज एक एक्चुअली अ पढ़ो, हैक, लाइक दिस इज अ गुड हैक एक्चुअली. दिस इज या दिस इज द बेस्ट हैक दैट आई फाउंड। मैंने एक अच्छे से मतलब रैंडम फॉरेस्ट इतना पढ़ा था ना, मेरे पास एक 6-7 पन्ने के सिर्फ उसी के नोट्स लिखे थे मैंने बैठ के, मतलब मुझे हर चीज आनी चाहिए उसकी, और कुछ भी जैसे कोई बोलता है अच्छा विच एल्गोरिथम से कंफर्टेबल, हाँ आई रैंडम फॉरेस्ट आई एम कंफर्टेबल आस्क मी क्वेश्चन, उसके ओके, बाद वो उस पर ही 15-20 मिनट चला जाता है। और लाइक आई विल से कि इन इंटरव्यू खूब सारे उस पर मैट्रिक्स पढ़ो, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं मैट्रिक्स पे, स्पेशली लाइक कंफ्यूजन मैट्रिक्स हो गया आपका R2 स्कोर, आपको लाइक MSE लाइक मीन स्क्वायर एरर मीन एवरेज, कुछ मतलब उस लाइक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे आपने, तो आई विल से कि इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यू शुड लर्न लाइक प्रिटी बाय हार्ट, और प्रिसीजन रिकॉल के तो क्या कहते हैं अब डेफिनेशन भी रट्टा हुआ, वो तो पूछते ही पूछते ऐसा लगता है कि कुछ भी पूछ लिया, तो राइट. और एक तुम्हारा वो भी ये मुझे सब बहुत अच्छा सर। लगा, एक जो तुमने ये बोला कि तुमने हर इंटरव्यू के बाद क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे उसको डॉक्यूमेंट किया, और अगले राउंड में तुमने उसको काइंड ऑफ रिवाइज किया और तुमको बहुत हेल्प किया, तो दिस विल आल्सो हेल्प आई हाँ स्पेशली लाइक स्पेशली वो क्वेश्चन तो जरूर लिखो जो तुमने गलत बोले, मतलब गलत आंसर दिया, क्योंकि वो पता चल जाता है अगर लाइक अगर वेबकैम ऑन भी नहीं है इंटरव्यूअर का तो भी लाइक ही विल हेल्प यू, तो आप समझ जाओगे अच्छा ये क्लिक नहीं किया है दिस इज रॉन्ग,
तो आप वो पक्का नोट करो और उसका सोल्यूशन हमेशा देखो और वो दैट हेल्प्स अ लॉट. राइट राइट. सो या विनव ठीक है, आई गेस काफी बढ़िया तुमने 30-35 मिनट्स में समझा दिया कि पूरा का पूरा प्लान और एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए. इट वॉज अ ग्रेट इंटरव्यू एंड आई होप यार तुम अपनी नेक्स्ट कंपनी में फोड़ो अच्छा एंड देन और आगे जाओ. ठीक है, विल ट्राई टू स्टे इन टच. इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू. सेम फॉर मी. मैं बस चाहता हूँ जल्दी से आप टाइम सीरीज की एक प्लेलिस्ट बना दो, मुझे अभी तक समझ नहीं आया. टाइम सीरीज की टाइम सीरीज में हमेशा अटक जाता हूँ, मुझे लाइक बहुत ट्राई किया मैंने. दिस इज समथिंग व्हिच आई एम गेटिंग अ लॉट. लोग बोल रहे हैं टाइम सीरीज बनाने का. आई विल ट्राई टू पुट इट अप सून. ओके, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल. मजा आया. सेम टू ओके, सो आई विल क्लोज द सेशन. बाय.